देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब डॉक्टर का एक पर्चा मिलता है और उसमें उसकी भाषा में कुछ अतरंगी सा लिखा होता है, और जब मेडिकल में हम जाकर दिखाते हैं उस पर्चे को तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कौन सी दवाई लिखती। कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन बना पड़ा है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो लगातार मार्केट में आ चुका है, जिसको रेट को लेकर भी बहुत सारी असमंजस हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, और हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी जो लगातार ऑन ग्राउंड उतर कर हर उस खबर पर अपडेट रखते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और समझना जरूरी है। हमारे सहयोगी न्यूज हेड अमित सोनी जी हमारे साथ में। अमित भैया, चूंकि लगातार ये रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं, क्या कुछ बाजार दवा बाजार में लगातार जो लोग जा रहे हैं, पेशेंट्स जा रहे हैं अपने मरीजों को इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेने के लिए, कालाबाजारी की बात भी हो रही है और अधिक दाम में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये इंजेक्शन जो है इस समय एक ऐसी चीज़ बन गया कि मान के चलो कि ढूंढने पर भी नहीं मिलता। लगातार हम लोग इस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आदमी पहले तो कोरोना से परेशान है, उसका पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद अब उसे इंजेक्शन का न मिलना, तो कहीं ना कहीं बहुत डर का माहौल आ गया, क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है, इससे आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, तो इंसान बहुत परेशान होता है। हम कल दवा बाजार पहुंचे थे, दवा बाजार में हमने सैकड़ों लोगों को लाइन में लगे देखा और उनकी बातें सुनी, उनके मुँह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि भाई साहब इंजेक्शन दे दो जी। भाई साहब इंजेक्शन दे दो, लेकिन इंजेक्शन जबलपुर में नहीं मिला। जबलपुर में संभाग की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सिवनी से, नरसिंहपुर से, बालाघाट से, कई जगह से लोग आए थे, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं मिला। उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं मिल रहा था कि इंजेक्शन कब मिलेगा। अगर एकदम से इंजेक्शन कहाँ गायब हो गया, एकदम से इतनी कमी कैसे आएगी कि इंजेक्शन नहीं मिल रहा, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब हमने जब कि हमने बात करी, हमारी चर्चा हुई, तो हमें वहाँ पर एक आदमी मिला, बोलता हम आपको इंजेक्शन दिलवा देंगे। वो इंजेक्शन कीमत लगभग 3 गुनी बता रहा था। तो हमने इसके बारे में जिला प्रशासन को सूचित किया है, उनको पूरी जानकारी दी है कि आखिर इस विपदा की घड़ी में ये कालाबाजारी क्यों। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है, प्रशासन को इस पर सख्त तो होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चूंकि प्रशासन सख्त भी है, लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। बहुत सारे हम टीवी चैनल्स के माध्यम से हमने खुद भी दिखाया कि लगातार चलानी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से अभिनव, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्र से, जैसा कि अमित सर ने बताया कि लगातार ऐसी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी भी चल रही है। ऑन ग्राउंड आप भी रहते हैं और हर खबर पर अपडेट रखे रहते हैं, क्या कुछ पीड़ितों की जो पीड़ा है वो नजर आई आपको इसमें? तो सबसे जो एक रोचक तथ्य जो इस रेमडेसिविर के बारे में ये है कि जो इसकी पहला फेज था कोविड का, उस दौरान जो अमूमन जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उसमें रेमडेसिविर कम यूज़ हो रहा था, लेकिन इस फेज़ में जो है, जिसको दूसरी लहर कहा जा रहा है, उसमें जो है रेमडेसिविर एक तरह से अमोघ शक्ति के रूप में काम कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है संक्रमण को रोकने के लिए रेमडेसिविर लगाया जाता है। 10% के ऊपर वाले जैसे होते तुरंत एडमिट करते हैं, उसके बाद रेमडेसिविर लगाया जाता है। अब जैसा अभी अमित भैया अभी डिस्कस कर रहे थे और इस बारे में बता रहे थे कि लोगों, तो मैं आपको बताऊँ कि लोग रोने तैयार हैं, लोग गड़गड़ाने तैयार हैं कि कैसे भी तरह से उनको जो है रेमडेसिविर मिल जाए, बिल्कुल कैसे भी तरह से उनका परिजन कैसे ठीक हो जाए, उसके लिए वो कितनी भी कीमत देने तैयार हैं, कुछ भी करने तैयार हैं, ये स्थितियां हैं। और ये लाइनें सुबह से ही लग जाती हैं, कतारें लगातार सुबह से ही लग जाती हैं। जब रामायण काल की बात करें तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध लड़ रहे थे तो लक्ष्मण जी को बाण लग गया था और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लिया था। लेकिन यहाँ जो कि महामारी चल रही है, महामारी का दौर है जिसकी दूसरी लहर आ चुकी है, आपको बता दूं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो 5 दिन लगाया जाता है, जिसकी 100-100 mg यूनिट लगाई जाती हैं लगातार। सबसे पहले शुरुआती दौर में हैदराबाद से इसकी जो हिस्ट्रो नाम की कंपनी है उसके द्वारा 20,000 डोजेस तैयार किए गए थे, जो भारत के हर राज्यों में भेजे गए। लगातार और डोजेस बन रहे हैं, लेकिन अमित जी एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, प्रशासन लगातार कह रहा है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, हमने डोजेस बढ़ाए हैं, वैक्सीनेशन की भी ये खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन भी कम हो रही हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी ओर ये कालाबाजारी जो लगातार चल रही है, क्या कुछ बात हुई प्रशासन से आपकी? देखिए, प्रशासन के अभी अधिकारी को हमने SP साहब को सूचित किया था, SP साहब ने अपने एडिशनल SP को बोला, हमारी ADM कलेक्टर से भी बात हुई है और बहुत जल्दी हम एक प्लान करके उन कालाबाजारियों तक पहुँचेंगे। पल इंडिया की टीम उनके पर्दाफाश करेगी जो इस बीमारी, इस संकट में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, इस इंजेक्शन को
औने पौने दामों में, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत 800 से 900 रुपए है, वो 11,000 रुपए में देने तैयार हो रहे हैं। तो पलपल इंडिया लगातार इन पे कार्रवाई कराएगा। पलपल इंडिया ने यह ठाना कि इस मुसीबत की घड़ी में पलपल इंडिया हर उन लोगों के साथ है जो मुसीबत में है, और जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको पलपल इंडिया तो छोड़ेगा नहीं। इसमें एक चीज और मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि जब इस दौरान उस दलाल से हमारी बात हुई तो उसने हमसे कहा कि हम अभी कल 11,000 में दे रहे थे, आज इसकी कीमत 14 हो गई है, और अगर आप अभी नहीं ले जाते हैं तो जो है इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, हमारे पास सीमित हैं, अगर हम आज आपको एक दिन, ऐसा नहीं है कि वो 6 डोज या 6 इंजेक्शन देने तैयार है, वो बोला है आज एक आपको देंगे, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो हम कल आपको व्यवस्था करा सकते हैं। और इसने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि हम आपको ये इंजेक्शन कैसे भी आप हमें उतनी कीमत दीजिए, हम आपको दिला देंगे। तो इस तरह की कालाबाजारी जो है वो चल रही है, और उसका पर्दाफाश निश्चित तौर पर पलपल इंडिया करने वाला है। हेलो, हाँ भैया सुनो। हेलो, कहाँ होगा? कहाँ हो आप? आप जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाए। अरे जहाँ बुलाएगा, बोले रहे ना शास्त्री ब्रिज आ जाओ आप। शास्त्री ब्रिज में कहाँ आना? शास्त्री ब्रिज में आ जाओ बस आप, है ना, ब्रिज के पास। हाँ, मैं ब्रिज के पास, वो जो ब्रांड फैक्ट्री है ना। कौन सी फैक्ट्री? ब्रांड फैक्ट्री, आप शास्त्री ब्रिज का जो चढ़ने का रास्ता होता है ना। हाँ, बस वहीं खड़े रहना आप। अच्छा, बगल ठीक है, गुप्ता गुप्ता मेडिकल के आसपास तो नहीं? हाँ, गुप्ता ही मेडिकल के आगे थोड़ा सा। हाँ ठीक है, है ना। हेलो, कहाँ हो ये? कहाँ हो आप? हम ये यहाँ पर है, क्या नाम, वही आपकी शास्त्री ब्रिज के बगल में खड़े हो ना, गली गई ना, संजय वर्मा। हाँ भैया, बस वहीं खड़े रहना, बड़ौदा। हाँ हाँ ठीक है, वहीं खड़े रहना आप। हेलो, हाँ हाँ भैया, कहाँ आप खड़े तो रहो, आ रहा हूँ ना मैं लेके, वही आ रहेगा आपके पास। कौन? वही जो जिसको देना है वही आएगा आपके पास। ठीक है, कितनी देर लगा रहे? हेलो हेलो, हाँ भैया, कहाँ हो? भैया अभी थोड़ी सा टाइम लगेगा। क्या है भैया? थोड़ी सा जो माल है ना, अभी क्या ट्रांसपोर्ट में फंसा हुआ है, क्या एक जो लड़का लेके आ रहा है। हाँ। क्या बुला रहा है अभी दमोह से, तो वो थोड़ी सा टाइम लगेगा। कितने पीस आ जाएंगे? हाँ, चार के अब कोई, मैं कमेंट नहीं कर सकता आपसे अभी, ये तो है 1 2 3 4 ऐसा हो पाएगा। अरे अभी 1 2 3 4 जो कच्ची हो वो तो दो, हम लोग नहीं ठीक है ना भैया, अभी थोड़ी सा रोको आप, कम से कम आधा एक घंटा तो रुकना पड़ेगा। कहाँ, वही है ना, हम इसलिए तो हम कह रहे थे कि अब हम आके खड़े हो गए, तो अब तुमने अलग कर दिया हमको। अरे भैया आप उधर भी खड़े रहे, आप इधर भी खड़े, अब मैं क्या करूँगा, मेरे हाथ में कहाँ नहीं होती तो मैं तो। हाँ, अब हम भी तो खड़े रहे सैलरी में जाके। अब नहीं, हम मानते हैं तुम्हारी बात दोस्त, क्या करें, हम भी मजबूर रहे ना, क्या करें। भैया वो वाला जो पीस थे, एक पीस बचा हुआ था ना, मैंने आप विश्वास नहीं मानोगे कितने का बेचा था। कितने का? 20,000 रुपए का बेचा था। 20,000 रुपए का? हाँ। और उसमें मेरे पैसे फंसे हुए थे, इसलिए मेरे को, मैं कहा नहीं अब उसको देख लीजिए, इसलिए मैंने ज्यादा। भैया आप रुको, अभी आधा एक घंटा तो रुको, मैं कुछ बोलूँ। भैया आप रुको अभी। हाँ भैया। भैया 2 पीस मिल जाएंगे। हाँ है ना, लेकिन अभी आपको दवा बाजार चलना पड़ेगा। दवा बाजार चलना पड़ेगा? हाँ। कितने की मिलेंगे वो ना रेट? भैया 14.5 जितनी में बात हुई है भैया। अरे भैया 14.5 मैंने बोला था, वो तो 15 बोल रहा है, मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 500 रुपए कम किए हैं, बाकी मैं किसी के लिए नहीं करवाता। अच्छा, तो कहाँ मिले हम? दवा बाजार में। तो आप कहाँ हो अभी? अभी हम इस तरह यादव कॉलोनी में। अरे तो आप आइए ना यहाँ पे दवा बाजार। हाँ, या फिर अगर नहीं आना तो फिर, या फिर गूगल पे कर दीजिए अगर हो तो। अच्छा, पैसा पहले पे कर दें? हाँ बस, वो तो आपको मिलेगा, खैर गारंटी है, इतना विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, है ना। चलो मैं अभी 10 मिनट में यहाँ पर हॉस्पिटल से मैं टिफिन देके और आपको कांटेक्ट करके सीधे पहुँच रहा हूँ आपके दवा मार्केट में। ठीक जी भैया, है ना। हाँ। लेके आता हूँ, पैसे कैसे ही लेके आऊंगा, कोशिश ये करूंगा, है ना। अगर गूगल पे से हो तो गूगल पे से कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा इंतजाम, इतना मैं कर सकता हूँ भैया अब, है ना। जी 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 जी। हाँ बोलिए, कहाँ हैं आप?
बस अभी तो हम सेल्वी। अरे भैया ये अभी कहाँ है आप बताइए ना एग्जैक्ट लोकेशन। सेल्वी निकलिए ना सेल्वी से यार जल्दी, थोड़ा वो बाहर ही खड़े हैं दवा मार्केट के, है हाँ ना, तो वो मिल जाएगा आपको तुरंत, नहीं फिर वो दूसरे के भी खड़े हैं ना उनके साथ में। नहीं, अब तुमने रेट बढ़ा दिए तो अब हमें 20,000 रुपये इकट्ठे करने में फिर लगेंगे। जरा 1 मिनट रुक जाओ। अरे यही बात आपको पहले बतानी चाहिए थी भैया, तो मैं उससे नहीं बोलता ये बात, अरे तो आप दत्ता तुम विश्वास लोग करवा के वो करवा देते हैं। 11,000 रुपये बोले, फिर 14 हो गए, 14.5 हो अरे गए। तो मैंने रेट बढ़ाया क्या भैया? नहीं अगर नहीं मैंने यार, रेट बढ़ा, नहीं, मेरी मैं बनाता होता अरे इंजेक्शन तो मैं तो सुनो फ्री में तो, बांट आप देता हमारी यार। बात नहीं समझे। अब हम 11,000 के हिसाब से चले थे, अब दस अच्छा हजार सुनिए, तो रुपये एक ही ले लीजिए उससे जाके मालूम भैया, अभी तो ले लीजिए एक, क्योंकि तो अगर बिक गया ना तो फिर एक भी नहीं मिलेगा। चलो। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, एक हाँ जन को और चाहिए है, हाँ मिल जाएगा? कितने में? कितने में? 16 ही बोला हूँ भैया लास्ट, वही बोला है मेरे अरे 16। भैया कम कर दो, मान लो अरे कम। भैया मालिक सुनो तो, हाँ 16,000 रुपये मेरे से, वो उसने आपसे बात हुई थी बोला ना उसने, मेरी बात हुई क्या उससे? एक भी बात नहीं हुई ना, ना मेरा मार्जिन है ना मेरा कुछ। अच्छा जी बताओ, एक बात हम आपसे पूछना हाँ चाहते हैं। पूछिए ना भैया आप, मैं सब बताऊंगा, बताइए तो तो जी बताओ जी, निकल कहाँ से रहे यार भैया? क्या इंजेक्शन इतने महंगे। इंजेक्शन निकलते नहीं है भैया, ये क्या होता है कि रेमडेसिविर जो है ना एंटीवायरल ड्रग है, हाँ क्या है ये कोरोना के लिए WHO ने है ना जो है हाँ ना बोली है, रिकमेंडेड की है कि इससे थोड़ा आराम है ना, तो इसलिए जो हॉस्पिटल है WHO की गाइडलाइन फॉलो करते हैं है ना, इसीलिए ये दवाइयाँ यूज हो रही हैं। और जब रेमडेसिविर का क्या हुआ कि इंदौर और भोपाल जब यहाँ कोरोना के केसेस हुए तो जितने मेडिसिन मेडिसिन वाले थे सबने वहाँ स्टॉप कर लिया, अब जब इंदौर और भोपाल से माल आ ही नहीं रहा है ना, तो जबलपुर में ये जो जिनके पास हैं एक दो आते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं स्टॉक्स आता है ना, तो अब मालूम है आपको भ्रष्टाचार, कितने भ्रष्ट लोग हैं अपने यहाँ, तो एक दो निकलते हैं एक दो, अब नहीं निकलेंगे तो प्राइवेट वालों को कहाँ से मिलेगा बताइए ना, तब तो गवर्नमेंट फिर मेडिकल ही में लगेंगे सबको जिसके यहाँ है ना, और मेडिकल में भी नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ लोग लीक करते हैं, तो लीक करते हैं तो वो लोग अब जब मजबूरी है तो लोगों का फायदा मजबूरी ही में उठाया जाता हाँ है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि भैया आप ये क्या है। करते हैं? भैया मैं तो BHMS हूँ, नेशनल हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर हूँ मैं है ना, मेरा तो ये अच्छा था कि आप निशांत की वजह से मैंने सब कुछ किया कि निशांत ने बोला मेरे निशांत से, क्या मैं करता है? नहीं निशांत मेरा दोस्त है ना, करता क्या है? निशांत भी BHMS डॉक्टर है, कहाँ पर? अच्छा वो सिर्फ अभी डिग्री कंप्लीट कर रहा है, मैं प्रैक्टिस में हूँ अभी थोड़ा है मान ना, लो ऐसे में पकड़ जाओ तो क्या हाल होगा बताओ क्या फिर। पकड़ने का नहीं है भैया, वो तो आप किसी से कंप्लेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो भी जाती है कंप्लेंट, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा है ना। हाँ वो बात नहीं है कि मेडिकल ऑफिसर में हो जाती है बात है ना, अब सीधी बात है भैया, हम तो मैं तो आज तक अपना तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं है ना एक भी, वो तो मजबूरी है कि मेरे ही रिलेटिव दो हैं है ना, एक वो संस्कारधानी में एडमिट है ना, मैं भी ले रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ ना भैया, मैं तो थोड़ी ना मना कर रहा हूँ कि नहीं ले रहा। बिल्कुल, पर्पल इंडिया के तमाम दर्शकों से हमारा यही अनुरोध है कि इस तरह की कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज सख्त करें, अपनी आवाज बुलंद करें, प्रशासन और पर्पल इंडिया की टीम आपके साथ में है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा दामों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड करता है या आपसे कहता है कि हम इसे दिला देंगे, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, तो उस लालच में बिल्कुल ना आए, आपके परिजन की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, इसलिए आज हम ये स्टिंग ऑपरेशन भी करने वाले हैं कि लगातार जो लोग इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बने रहिएगा लगातार पल पल इंडिया न्यूज के साथ। जब हमें बिचौलिए ने शास्त्री ब्रिज बुलाया तो हम उसके बुलावे पर शास्त्री ब्रिज पहुंच गए, जहां पल पल इंडिया के साथ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद था, लेकिन घंटों के इंतजार के बाद भी बिचौलिया नहीं पहुंचा, जिसके बाद हमें वापस लौटना पड़ा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद अब जो दलाल है रेमडेसिविर इंजेक्शन का दलाल है उसका फोन हमारे पास आया है कि आप हमारे साथ शास्त्री ब्रिज पे मिल सकते हैं, तो हम लोग 3 पत्ती चौराहे के पास एक बस स्टॉप में लगभग लगभग 1.5 घंटे से बैठे हैं और उसके इंतजार कर रहे हैं। ये बता दें इस बार उस इंजेक्शन की कीमत है वो 15,000 से बढ़ा के 16,000 कर दी। प्रशासन की पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है, मुस्तैद है और बहुत जल्दी हम उस तक पहुँच पाएंगे जो इस महामारी के दौर में इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन हम हताश नहीं हुए और लगातार पल पल इंडिया की मुहिम जारी रही और आखिरकार मुनीश मेडिकोज में काम करने वाले एक व्यक्ति को प्रशासन ने
रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों धर लिया। को कुछ मालूम ही नहीं है, दुकान के जो लड़के हैं बाहर कहीं दूसरे हॉस्पिटल के लड़कों के लड़के हॉस्पिटल में दवाई की दुकान है वहाँ दिखता है, वहाँ के लड़के और यहाँ के लड़के आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं। कौन लड़के थे ऐसे, कौन थे जो इतने दिन से काम कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, इतने दिन से आप दुकान में काम कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि कौन लड़का काम कर रहा है? मेरी दुकान के लड़के काम कर रहे हैं ना भैया, दो लड़के हैं जो दुकान पे काम करते हैं, ये वाला काम थोड़ी करते हैं। दुकान पे लड़के हैं नितिन और सुदामा करके हैं, नितिन और सुदामा करके मेरी दुकान पे काम करते हैं, टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत। आपके पास इंजेक्शन बिकता है आपकी दुकान? नहीं बिकता है सर जी, मेरे पास इंजेक्शन कहाँ से आएगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरे से बोलते हैं भैया हम आ रहे चाय पी के, हम आ रहे टॉयलेट करके, अब बाहर जाके किसी से बात कर रहे हैं, मुझे क्या मालूम कौन सा काम कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग यहीं पर बाहर दुकान के किसी के साथ पकड़े हुए लेन देन करते हुए पकड़े गए। पलपल इंडिया लगातार दो दिन से खबरों को दिखा रहा है और आज ये कार्रवाई हुई है, जिला प्रशासन की पूरी टीम ने यह कार्रवाई की है। तीस जारियों से हमारे साथ जुड़ गए सर, किस तरह की धारा इस पे लगेंगी और किस तरह के अपराध की श्रेणी में आता है ये? अभी एक्चुअली प्राइमरी स्टेज पे जो है ये ड्रग से रिलेटेड है, तो ड्रग विभाग इस पे कार्रवाई करेगा, उनके बाद जब वो हमें एप्लीकेशन देंगे तो हम उसके आधार पे जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस संकट की घड़ी में इस तरह से जो कर रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, उसके बाद ये तला कि काला कारनामा, किस तरह की कार्रवाई इन पर सुनिश्चित की जाएगी? इनसे हम कड़े पे कड़े हैं, जिसे ज्यादा से ज्यादा जो कड़ी कार्रवाई है हम वो करना सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, और कितने लोगों का ग्रोह इसमें हो सकता है लगातार, इसमें क्या लग रहा है, किसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है? अभी तो पूछताछ कर रहे हैं, अभी हमारे पास एक ही व्यक्ति है, अभी इससे पूछताछ कर लेते हैं, जितने लोगों का नाम आएगा इसमें सभी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। देखिए अभी तक जो है एक सर, अभी किस तरह की कार्रवाई की गई है? दुकान में जो है एम्प्लॉई जो है वो ज़्यादा रेट में देने की बात कर रहे हैं, तो उसके आधार पर ये कार्रवाई की। अभी और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं सर, कोई बड़ा व्यापारी? जांच का विषय है, जांच होगी, जांच में चीजें सामने आएंगी। डिफरेंट एक्ट हैं, IPC है, ड्रग एक्ट है, उसके तहत जो भी नियमानुसार कार्रवाई। लगातार प्रशासन की पूरी टीम जो है मुस्तैद काम कर रही है और उन्होंने एक ट्रैप लगाया था, ट्रैप के आधार पर 18,000 रुपये में इंजेक्शन की कीमत तय हुई थी, जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कबीर खान के साथ अमित सोनी, पलपल इंडिया, जबलपुर।